तो आज हम देख रहे हैं इसके अंदर टॉगल बटन किस तरह से बनाते हैं। तो टॉगल बटन बनाने के लिए मैंने यहाँ से एक कंटेनर में से जाके एक पैनल ऐड कराया है। जो पैनल जो मैंने ऐड कराया है इस पर क्लिक करके यहाँ से मैंने पैनल का जो बैक कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पर रख के मैंने इस पैनल को थोड़ा सा ऑफ कर दिया। सब जाना ही चाह रहा हूँ कि देखें टॉगल बटन से हम इसको ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ से कॉमन कंट्रोल्स में आएंगे और एक बटन ऐड कराएंगे। बटन ऐड करा के हम उसको यहाँ रखते हैं और उस पर क्लिक करके इस बटन का जो थोड़ा साइज़ वगैरह है थोड़ा सेट कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसका शो और हाइट नाम रख देते हैं। तो इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने लिख दिया शो और यहाँ से मैंने इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करके रख दिया है इसका सपोज टू बी 16। कॉपी किया इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे इसको मैंने रख लिया सपोज टू बी इस पे मैंने रख दिया हाइट। ठीक है तो अब इस बटन का नाम मैं रख रहा हूँ जो कि इसका नाम है बटन वन, तो मैंने रख दिया बटन शो और इसका नाम मैंने रख दिया बटन हाइट। ठीक है तो अब काम क्या लेना है इससे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो शो हो जाए, इस पर क्लिक करूँ तो हाइट हो जाए। तो अब इस पर डबल क्लिक किया तो अब इस पैनल का नाम हमने क्या रखना था, पैनल का नाम ऑटोमेटिकली इसने रखा है पैनल वन। ठीक है तो ये रहने देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको जाके पैनल वन इसके क्लिक इवेंट में डॉट, यहाँ पे देखिए क्या है, हाइट का ऑप्शन है, क्लोज का ऑप्शन नहीं है, तो हम हाइट कर देते हैं। तो ये देखें हाइट हो जाएगा, कैसे हाइट होगा ये देखिएगा। और इसमें जाके लिख रहे हैं पैनल वन डॉट शो। ठीक है पैनल किस वाली कर दूंगी। ठीक है तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे जैसे कोड को रन किया तो ये हाइट और ये शो, हाइट शो, हाइट शो, इस तरह से किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मसला है अगर ये शो है और ये हाइट है तो बार 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 क्लिक हो रहा है। अब टॉगल बटन क्या होता है, टॉगल बटन ये जो दो बटन काम कर रहे हैं वो एक बटन काम करे, मतलब क्लिक करें शो कर दे, क्लिक करें हाइट कर दे, फिर करेगा शो कर ले। तो इस तरह का टॉगल बटन हम किस तरह से बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको उठा के थोड़ा यहाँ सेट कर देते हैं फिलहाल और यहाँ पर आके एक और बटन लेते हैं कॉम कॉपी एंड पेस्ट और यही काम हम उससे लेंगे और उसको हमने यहाँ पर आ लिया। तो इन दो बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि एक बटन पे वो सारा काम करेंगे। तो इसके ऊपर अभी हमने फिलहाल जो है क्या मैसेज दिखाना है, कोई मैसेज नहीं दिखाना, इसका टेक्स्ट हमने खाली कर दिया और इसके ऊपर हमने लिख दिया बटन टॉगल। ठीक है तो जब ये रन हो तो क्या दिखाई दे और कैसे दिखाई दे। अब इसमें हमने ये करना है कि मिसाल के तौर पे जब रन हो तो क्या दिखाई देना है, इस चीज़ का जो सेटलमेंट है वो ऐसे किया जा सकता है कि हम पहले इस बटन का डबल क्लिक करेंगे, क्लिक इवेंट खोलेंगे और यहाँ से चले जाएंगे जनरल डेकोरेशन एरिया में और एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बूलियन टाइप का, जैसे सपोज टू बी हम उसका नाम रख रहे हैं चेक, चेक वेरिएबल का नाम रख दिया और उसकी टाइप रख दी हमने बूलियन और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू वैसे इसकी फॉल्स होती है। अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने फॉल्स रख दी। ये जो बूलियन टाइप के जितने वेरिएबल आप बनाएंगे या तो ये वैल्यू स्टोर करेंगे ट्रू या ये स्टोर करेंगे फॉल्स, यानी कि कोई स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करते, बस ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया चेक और चेक जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो जनरल डेकोरेशन एरिया में किया है, तो इसका मतलब वो तमाम फंक्शंस और प्रोसीजर्स में एक्सेसिबल होगा। अब यहाँ पर आगे हम चेक करेंगे, अब कैसे चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ चेक करें, इफ जो बटन है हाँ यहाँ पे देखते हैं, इफ पैनल वन डॉट या हाँ चलो ठीक है, इफ चेक इक्वल टू फॉल्स, मतलब अगर चेक की वैल्यू फॉल्स है तो क्या करना है, चेक की वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि पैनल हमारा अपियर है, क्या है पैनल हमारा अपियर है, तो बटन जो हमारा टॉगल है उसके टेक्स्ट के ऊपर दिखा दे, क्या दिखा दे, जैसे ही उस पर दिखा दे कि हाइट, ठीक है क्या दिखा दे उसके ऊपर हाइट। ओके तो शुरू में पैनल अपियर होगा और बटन हमारा जो है उसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो उस पर क्या लिखा हुआ रहा होगा हाइट, और जब क्लिक हो जाए तो पैनल वन डॉट जो है उसको क्या कर दे हाइट कर दे। ठीक है दूसरी कंडीशन एल्स में बताएंगे हम। अच्छा फिर साथ साथ चेक की वैल्यू को दोबारा से क्या कर दे
ट्रू कर दें। और दूसरी कंडीशन में हम ये बताएंगे, अब दूसरी कंडीशन में चेक की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो फिर बटन टॉगल डॉट टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो क्या कर दे, शो कर दे जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, और पैनल वन डॉट शो कर दे क्लिक करने पे, और चेक की वैल्यू को दोबारा से क्या कर दे, पास कर दे। सही, अब चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। देख देखा किस तरह से हमने एक टॉगल बटन क्रिएट कर लिया जो हमारे क्लिक करने पे हमारे ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर रहा है और अच्छा। अब इस पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये प्रोग्राम रन होता है तो ये खाली होता है, तो फिर क्या करें, चले देख लेते हैं भाई। इस पे भी हम ऐसे ही करते हैं, यही कोड उठा के हम कहां लिख देते हैं, एक प्रोसीजर के अंदर, किसके अंदर लिख देते हैं, ये हमने कॉपी कट किया और यहां से बाहर आए जनरल डेकोरेशन में एक प्रोसीजर बताया, उस प्रोसीजर का नाम था सब टॉगल बटन, क्या नाम रख दिया उसका हमने, टॉगल बटन, उस पर एक कोड लिख दिया। अब हमारा काम आसान हो गया, इस प्रोसीजर को हमने कॉल कर दिया कहां पे, बटन टॉगल के अंदर भी वही काम करे, और फॉर्म के लोड इवेंट पे भी कॉल कर दिया। अब फॉर्म खुद ही चेक कर लेगा, सही है, लेकिन फॉर्म ने चेक किया शो हो गया, उल्टा काम कर रहा है इस फॉर्म के हिसाब से। अभी ये शो हो रहा है तो हाइड दे रहा है, हाइड हो रहा है तो शो दे रहा है, तो हमें थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हमने अपने कोड को चेंज करना है, क्या है, एक चेक फॉल्स हो तो यहां पे क्या कर दे, शो कर दे, और यहां पे क्या कर दे, हाइड कर दे। चेक कर लेते, तो अब हमारा प्रोग्राम खुद ही डिटरमाइन करना है क्या करना है, शो करना है या हाइड करना है। वही काम जो आप इन दो बटन से ले रहे थे, वही काम आपने एक टॉगल बटन बना के इससे ले लिया।